हेलो व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आई एम प्रगति और आज की वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाली हूँ अरविंद समेठा मूवी के पीस मीटिंग सीन पर। सर, मैंने अरविंद समेठा मूवी के और भी काफ़ी सीन्स पर रिएक्शन वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज़ आप चेकआउट कर लेना। उनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इस सीन के लिए मुझे किसी ने कमेंट किया था कि प्लीज़ इस सीन पर रिएक्ट करो, काफ़ी अच्छा सीन है। सो चलो देख लेते हैं ये सीन कैसा है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन आते रहें। और ऑल्सो आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलो साथ में मिलकर ये वीडियो देखते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। वो सब बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ से चलते हैं। मैं इनसे कुछ बात कर रही हूँ। अब कोई बात नहीं करनी, राघव रेड्डी की मीटिंग फिक्स है बसी रेड्डी के बेटे के साथ। कब? आज ही है। कितनी सारी गाड़ियां एक साथ। सुदर्शन रेड्डी नमस्ते। जहाँ पे इनकी मीटिंग हो रही है वहाँ पे एनटीआर भी आ रहे हैं। क्या कॉम्प्रोमाइज इतना जरूरी है? देखो जो इश्यू है वो जीत हार का नहीं है सुदर्शन रेड्डी, जिंदगी का है। आखिर इस जनरेशन में वो इस लड़ाई को रोक क्यों नहीं पाए? इसने जो मुद्दा उठाया उसमें हमें इसे इंक्रीज करना होगा, वरना ये पूरी मीटिंग वेस्ट है। मीटिंग के बारे में बस रेड्डी को पता है क्या? पता नहीं, बस ये दोनों आए हैं एग्रीमेंट करना है। मैं इसके साथ एग्रीमेंट क्यों बनाऊं कृष्णा रेड्डी? अरे इसने मेरे पिताजी पर हमला किया था, कहा कि मेरे बेटे को मार दे। बाल रेड्डी, मैं अभी इसको बहुत बुरी मौत मारूंगा, जेल जाऊंगा, और जब मेरे पिताजी मिनिस्टर बनेंगे तो मैं बैल लेकर बाहर आ जाऊंगा। ये वाला तो काफी सही था। तो दोनों बैठे हुए सोच रहे हैं अचानक से क्या हुआ। मैं तुझे मार कर जेल चला जाऊंगा, मेरी आंटी मिनिस्टर बनेगी तो मैं बेल लेकर बाहर आ जाऊंगा। सेम डायलॉग तेरे पास नहीं है, मेरे पास भी है।
कहानी सुनाता हूं। एक किसान के पास जमीन थी पर इतने पैसे नहीं कि किसी को काम पर रख सके, इसीलिए उसकी बीवी को काम पर जाना पड़ा। उसकी 6 साल की बेटी थी जो छोटे बच्चे को संभालती। बच्चा रोने लगा तो लड़की उसे कड़ी धूप में लेकर गई। शायद उसने सोचा इससे बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन बच्चे को बुखार हो गया। उसी दौरान इलेक्शन की वजह से गांव में दंगा फसाद हुआ। ऐसे में तुम बस कहां ढूंढोगे बाल रेड्डी? सरकारी हॉस्पिटल 10 किलोमीटर दूर है। बच्चा पहुंचा तब तक देर हो गई थी, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए। उसके माँ बाप उसके गम में बहुत रोए। अब इसी कहानी का दूसरा वर्जन सुने। एक किसान के पास थोड़ी जमीन है, जमीन पर बिजली पानी की अच्छी सुविधा है। खुद अपनी जमीन पर काम ना करके वो दूसरे किसानों से काम करवाता है। माँ भी घर पर अपने बच्चों का ख्याल रखती है, उनकी बेटी स्कूल जाती है। लेकिन एक दिन वो बीमार पड़ गई, उसे तेज बुखार आ जाता है। इलेक्शन चल रहे हैं लेकिन कोई दंगा फसाद नहीं है, गांव में बसों की अच्छी सुविधा भी है। वो लड़की को तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं, डॉक्टर बच्ची को सलाइन लगाता है, बच्ची ठीक हो जाती है। और फिर अगली सुबह बच्ची फिर स्कूल जाती है और मां मुस्कुराती है। पहली कहानी तेरे पिताजी ने लिखी है और दूसरी कहानी मैं लिखने वाला हूं। हमें क्या करना चाहिए बाल रेड्डी, अब तू ही बता। हाँ, जो पिताजी ने किया गलत था। 5 रुपए के लिए उन्होंने एक आदमी का सर काट दिया, तो तुम्हारे पिताजी ने क्या किया? उन दो लोगों को मार दिया जो बेगुनाह थे। इस पर क्या कहोगे? हमने शुरू किया पर तुम रुके। हमने खून भी किया और उसे कबूल भी किया है। तुमने भी तलवार उठाई, उसे भूल गए क्या? क्यों राघव रेड्डी, क्या हुआ बोलो ना। हाँ, I'm sorry. अपने पिता की तरफ से माफी मांगता हूं, तुम्हारे पिता से भी माफी मांगता हूं जो यहां नहीं है। जब फसाद हुआ तब अगर हमारे पिता ने साथ मिलकर बात की होती तो आज गांव की हालत कुछ और ही होती। कम से कम वो मौका अपने बच्चों को देते हैं। इस शांति की कीमत क्या है? 5 साल, 1 MLA और 1 मिनिस्टर। ठीक है, मान लिया, मैं नहीं लड़ूंगा, तुम ही जीतोगे। तुमने ये डिस्कशन पहले क्यों नहीं किया राघव रेड्डी? पिछली बार तुम अपने लोगों के साथ एक गाड़ी में आए थे तब मैंने डिस्कशन किया, इस बार 4 गाड़ियों में आया इसीलिए मैंने लड़ाई की। जिसमें लड़ने का जिगरा ना हुआ शांति की बात नहीं करता। मेरा फोन नंबर उस कार्ड पर है, मैसेज कर देना। अगर तुम्हारी हां है तो MLA बनने के बाद मैं तुम्हारे पिताजी से मिलने आऊंगा, अगर ना है तो तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छिप जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हिमालय के पीछे सिर छुपा लो या कन्याकुमारी से समंदर में डुबकी लगाओ। Oh my God. राजस्थान के रेगिस्तान में छुपो या बंगाल की खाड़ी में छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और सर धड़ से अलग करूंगा। जो उस एरिया का फिक्सनिस्ट है उसको कभी सॉरी बोलते नहीं देखा। फर्स्ट टाइम, यही है यार, फर्स्ट टाइम। हर 30 साल में एक बार जीने का लक्ष्य बदलता जरूर है। फिल्म वाले इसे ट्रेंड कहते हैं और बिजनेस वाले फैशन कहते हैं, राजनेता उसे वंश कहते हैं और आम लोग जनरेशन कहते हैं।
लेकिन हर जनरेशन में एक बंदा आता है अपनी नई सोच के साथ और वो अकेला आता है। हम उसे टॉर्च बैरर कहते हैं। उस जाते हुए इंसान को देख रहे हो ना तुम, वही है टॉर्च बैरर। वाह, सीन काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मतलब इसमें पीस मीटिंग सीन था ये जो हमने देखा अभी। सो इसमें बेसिकली एक मीटिंग होती है जिसमें जो विलन होता है वो और एनटीआर सर होते हैं, प्लस दो लोग और होते हैं जो मीटिंग में शामिल होते हैं। और जहाँ जो विलन होता है ना वो चार चार गाड़ियों में आ रहा होता है, मतलब इतनी सिक्योरिटी के साथ अपने लोगों के साथ आ रहा होता है। वहीं जो अरविंद समेटा है, मतलब एनटीआर सर, बहुत ही आराम से अकेले आते हैं मीटिंग में, किसी को साथ लेके नहीं आते हैं, जस्ट वो सिंपली खुद ही आते हैं। और मतलब मीटिंग में जिस बात हो रही होती है, क्योंकि उनकी जो इसमें लड़ाई है ना, क्योंकि मैंने इसके और भी सीन देखे हैं, थोड़ा बहुत आइडिया मुझे है इसका मूवी का। सो इसमें इनकी जो फादर के टाइम पे इनकी लड़ाई थी, मतलब जो विलेन उनके फादर की और एनटीआर सर के फादर की, सो मतलब पुरानी लड़ाई इनकी चलती आ रही है जो अब तक लड़ाई ही है। बट ये एनटीआर सर इस मीटिंग में आते हैं जस्ट कि इसको समझाएं और कि उनको आगे लड़ाई नहीं करनी है, उनको आगे शांति चाहिए। और इवन वो अपना जो पॉलिटिकल गद्दी भी उनको देने को तैयार हो जाता है, मतलब वो कहते हैं मैं लड़ूंगा ही नहीं, लेकिन ये सब नहीं करना है, सब बंद करना है, क्योंकि इतने पुरानी दुश्मनी चलती आ रही है। शायद अगर ये बात पहले हो जाती, इस तरह से आराम से बैठकर हमारे फादर डिस्कस कर लेते, तो शायद अब तक ये सब ना होता। प्लस उसको समझाने के लिए दो स्टोरी सुनाते हैं जो कि काफ़ी, मतलब बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाते हैं उसको समझाने के लिए। और सो बंदा, मतलब उसके बीच में क्योंकि विलन है तो अपनी औकात तो दिखाई गई, बीच में फाइटिंग शुरू हो जाती है वहाँ पे। सो वहाँ पे एनटीआर ने भी अपना पूरा काफ़ी एक्शन देखने को मिला, लेकिन एट द एंड उनका मतलब यही होता है, उनका जो मोटिव होता है वो यही होता है कि वो उस विलन को समझाएं कि शांति रखनी है, ताकि मतलब बाकी लोग भी खुश रहें, गांव में शांति रहे। तो मतलब अच्छा लगा ये सीन देखकर मुझे, क्योंकि एनटीआर सर के मूवीज़ में ना मैसेज रहता है और इनकी एक्टिंग, एक्शन मुझे सबको अच्छा लगता है। सो ये सीन मुझे काफ़ी मज़ा आया। आप लोग बताओ आपको ये सीन कैसा लगा है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और भी अरविंद समेटा की मूवी के या फिर एनटीआर सर के कोई भी सीन हो तो फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो चलो यार वीडियो को एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर।